पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को मिली जमानत। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट से एसओजी को बड़ा झटका मिला है, जहां बेल बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा हो जाएंगे सभी आरोपी। हम आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी एक खबर है, जहां पर 12 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट से एसओजी को बड़ा एक झटका लगा है, बेल बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा हो जाएंगे सभी 12 आरोपी, और 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करने पर यह फैसला जो है कोर्ट ने सुना दिया है। पेपर लीक का यह बड़ा मामला है, जहां पर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है पेपर लीक मामले में कि 12 आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है, और कोर्ट से एसओजी को यह बड़ा झटका भी लगा है, बेल बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा हो जाएंगे सभी आरोपी, 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करने पर यह फैसला दिया गया है। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए सोमू आनंद जुड़ चुके हैं, जो हमारे संवाददाता हैं। सो मुझे एक बात बताइए कि पूरा मामला क्या है, उन्हें जमानत कैसे दे दी गई? देखिए, इन सभी आरोपियों को 2 अप्रैल को आरपीए से गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, और उसके बाद 3 तारीख को इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। इस मामले में एसओजी ने यह कहा था कि 3 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए 4 तारीख को कोर्ट में पेशी हुई है। लेकिन इन आरोपियों की तरफ से वकीलों ने यह दलील दी थी कि इनको क्योंकि पहले से ही अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया था और 24 घंटे के अंदर इन सभी आरोपियों को पेश नहीं किया गया, साथ ही साथ 11 ट्रेनी एसआई के अलावा एक जिस कांस्टेबल को पकड़ा गया था इस पूरे मामले में, ऐसा बताया जा रहा था कि उसको 31 तारीख को यानी 31 मार्च को उसे जोधपुर से हिरासत में लिया गया और उसकी भी गिरफ्तारी 3 तारीख की बताई गई थी। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के कई सारे सवाल जो है वो एसओजी पर उठ रहे थे। पहले भी जब एसओजी ने इस मामले में 14 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, तब भी एसओजी पर यह आरोप लगे थे कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपियों को पेश नहीं किया, और इस मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। डीजीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उस कमेटी को यह रिपोर्ट देनी थी कि आखिर किन परिस्थितियों में एसओजी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं कर पाई। जब दोबारा ऐसा वही प्रश्न बनता है, वही प्रश्न बनता है कि आखिर ऐसा एसओजी क्यों नहीं कर पा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर पेश नहीं हो पा रहे हैं वो आरोपी, तो ऐसा क्या कारण है उसमें? निश्चित रूप से देखिए, एसओजी की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि जब इनको हम लोग गिरफ्तार करके लाए, उसके हिरासत में लाए, उसके बाद उनसे पूछताछ की और गिरफ्तारी बाद में हुई। लेकिन साफ तौर पे क्योंकि जो पूरा कानून है सीआरपीसी की धारा 57 हो या फिर जो पूरा कानून है 41A, जिसकी पालना करने की बात बार बार कही जा रही थी कोर्ट में, उसमें भी स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि किसी को भी 24 घंटे के अंदर अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है किसी भी तरीके से, यानी अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को यह वर्जित करता है कि वो इस स्थान से उठ के कहीं नहीं जा सकता है, तो उसे भी हिरासत में लेना कहा जाता जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमू जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिलहाल हमें आपसे विदा लेना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा अगली खबर की ओर।